नमस्कार दोस्तों, वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम IRFC के नाम से जानते हैं। इस स्टॉक 165 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में इसने 12.70% का डाउनवर्ड दिया है। मार्केट कैप है इसकी 2,15,500 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है 86.40%, बुक वैल्यू 37.60 है, यूनिट यील्ड 0.91% है, फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, पहले इसमें ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डे में से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियम से अभी ऊपर है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चले। एंड वन मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो मीडियम से नीचे है, तो ये एक अच्छी बात है। सिक्स मंथ के टाइम स्पैन पे छोटू सी ऊपर है एंड वन ईयर के टाइम स्पैन पे थोड़ी सी ऊपर है, तो मिक्स सा है। बट अगर पेग को कंसिडर करें तो मुझे लगता है इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन जो है ऑलमोस्ट 100 पे इंटैक्ट है, जो कि एक अच्छी बात है। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है, ये एक छोटा सा हेकअप है, बट अब काफी स्ट्रांग है ये कंपनी, फाइनेंस के सेक्टर की है, तो सेल्स नहीं सॉरी रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, तो ये रिकवर कर जाएगा ऑफकोर्स। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, अगेन ये एक और चार्ट जो कि सेम पैटर्न बना रहा है, एंड सभी चार्ट का ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न बना है। यहाँ पे कल हमें मिला था 6.27% का गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके नीचे क्लोजिंग हुई थी तो रेड कैंडल है। एंड आज छोटू सी गैप डाउन ओपनिंग हुई है एंड उसके बाद स्टॉक काफी नीचे गया है। एंड इसका जो प्राइस बैंड था वो था 20% का, एंड 20% वाले प्राइस बैंड रिवाइज नहीं हुए हैं, 10 वाले प्राइस बैंड को रिवाइज किया गया था मार्केट में, लाइव मार्केट में, तो 20% का प्राइस बैंड था। एंड आज स्टॉक काफी नीचे गया था एंड उसके बाद इसने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 12.70% पे, एंड ये अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो देखिए, अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का इतना कोई महत्व रह नहीं गया है। अभी कोई न्यूज़ भी यहाँ पे आई होती, प्राइस बैंड 20% का है, न्यूज़ ऐसा कोई भी नहीं है, बट अगर कोई न्यूज़ भी आई होती तो उसका भी मेरे को लगता नहीं ज़्यादा महत्व होता। हाँ, कोई अच्छी न्यूज़ होती तो शायद उसके साथ ऊपर चला जाता, और थोड़ी सी गंदी न्यूज़ होती तो शायद ऊपर उठने में थोड़ी सी दिक्कत आती, बट थोड़ा बहुत फर्क ऑफकोर्स पड़ता, बट उतना महत्व नहीं रह जाता है कि न्यूज़ अच्छी आई तो बस एकदम से निकल जाएगा और न्यूज़ गंदी आई तो नीचे डूब जाएगा, वो नहीं रह जाता इस टाइम। जो महत्व है वो है न्यूज़ का, इलेक्शंस का, और कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जिसका बहुत ज़्यादा रहेगा यहाँ पे। तो अभी के लिए देखें तो फ्रेश एंट्री का मुझे वैसे तो लगता है कि बनता है, बट टेक्निकली अगर देखें तो बाइंग की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है, बट इलेक्शंस की बात को देख के चले तो मुझे लगता है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी से दूर रहें थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी के लिए जून के एंड के हम जो टारगेट लेके चले थे उनको अचीव करने के लिए हमें अब 60% के मूव की ज़रूरत है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो 60% के आसपास के मूव की ज़रूरत है हमें, एंड हम टारगेट लेके चले हैं अपना 260 के आसपास का। तो अभी के लिए RSI जो है वो 47.95 पे है, काफ़ी रिकवरी दी है RSI ने ऊपर उठते हुए, इसको यहाँ पे हिकअप भी लेना पड़ेगा रेंज शिफ्ट का, फिर से हो सकता है ना लेना पड़े, रिकवरी इस तरीके की आ जाए जिस तरीके से डाउन मूव मिला है, अगर उस तरीके की रिकवरी आ गई तो एक अच्छी भी बात होगी, तो हो सकता है हिकअप कोई ना आए, शायद रेजिस्टेंस भी फेस ना करनी पड़े और रेंज शिफ्ट का भी हिकअप ना आए, तो मुझे लगता है कि रिवर्सल मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे भी रिवर्सल मिला था, यहाँ पे रिवर्सल मिला था, तो कोई ऐसे ऐसे समीकरण बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कल ये मार्केट रिकवर भी कर सकती है। तो अभी के लिए देखें तो वॉल्यूम जो है वो 198 मिलियन का आया है, जो कि बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, 20 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया है। एंड यूजली इस स्टॉक में जो यूजली वॉल्यूम आता है उसके मुकाबले काफी स्ट्रांग वॉल्यूम आया है आज। अगर कल भी ऐसा सा वॉल्यूम रहता है तो हो सकता है रिकवरी मिले, क्योंकि जैसे यहाँ पे डाउन मूव मिला था वॉल्यूम अच्छा आया था, अगले दिन अप मूव के लिए और ज्यादा बड़ा वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे भी डाउन मूव में अच्छा खासा वॉल्यूम आया था, अप मूव के लिए और ज्यादा बड़ा वॉल्यूम आ गया। अगर ये सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो जाता तो मुझे लगता है कि सबके दिलों को थोड़ी ठंडक मिलेगी। एक तो वैसे ही इतनी गर्मी है, ऊपर से स्टॉक्स ने मार्केट ने आज काफी दिमाग गर्म किया है, तो BP लो भी हुआ, मेरा भी हुआ था। एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो अभी के लिए देखें हम तो एंट्री का मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको टारगेट भी बता दिए, एंड एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगी कि इन दिनों थोड़ा सा संभल के चलें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि रिस्क फैक्टर तो ऑफकोर्स शेयर मार्केट में होता ही है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल के चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन के ये सारे ताम झाम में रिटेलर ज़्यादा फंसता है, क्योंकि जो बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं ज़्यादा पैसा लेके, वो तो जब मार्केट बुलिश होती है तो कॉन्ट्रा ट्रेड मार के शॉर्ट कर देते हैं, जब मार्केट थोड़ी बेरिश होती है कॉन्ट्रैक्ट हिट मार के ऊपर ले जाते हैं, तो थोड़ा सा उस चीज को संभल के देख के चलें। एंड ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानी समझी पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।